हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू गाइस एंड वेलकम इन एडवांस एक्सेल कोर्स। गाइस, आज के सेशन में हम चूज़ के फार्मूले का पार्ट टू पढ़ने वाले हैं। पार्ट वन में मैंने आपको बताया था कि हम किस तरह चूज़ के फार्मूले को यूज़ करते हैं, इसका काम, इसका एक्चुअल काम मैंने आपको बताया था और उसके बाद इसका एक यूज़ भी बताया था। पर आज के सेशन में हम कुछ स्पेशल करने वाले हैं। हम चूँकि हमने इफ लॉजिक पढ़ ली है, तो क्यों ना इस फार्मूले के साथ हम इफ लॉजिक यूज़ करें। तो आज के इस सेशन में हम चूज़ के फार्मूले के साथ इफ लॉजिकल कंडीशन भी अप्लाई करेंगे और इसका एक यूज़ है जिसके थ्रू हम रिवॉर्ड देंगे। मैंने आपको पहले भी सेशन में कहा था कि हम चूज़ के फार्मूले के थ्रू रिवॉर्ड जो है वो दे सकते हैं, हम अनाउंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक पोजीशन सेट कर लेता हूँ। पोजीशन सेट करने के लिए हमें रैंक का फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अब रैंक का फार्मूला क्या है? बेसिकली जो नंबर सबसे बड़ा होता है, रैंक का फार्मूला उसे क्या करता है, उसे वन नंबर पर ले आता है। अब मैं इस पर डबल क्लिक करूँ तो ये देखें, ये पहला ये लिखा हुआ है नंबर। ये जस्ट पोजीशन बनाने के लिए मैं कर रहा हूँ, क्योंकि पोजीशन जब बनेगी, जब कोई नंबर बनेंगे, जब कोई ऑर्डर बनेगा, ऑर्डर के थ्रू ही हम चूज़ का जो फार्मूला है वो अप्लाई करेंगे। तो पहले हम एक ऑर्डर बना लेते हैं। तो ऑर्डर हम कैसे बनाएंगे? सपोज़ कीजिए ये कुछ नाम है, ये कुछ रेसर हैं जिन्होंने रेस में हिस्सा लिया है, ये उनकी टाइमिंग है, ठीक है। अब जो टाइमिंग सबसे ज़्यादा होगी तो रैंक का फार्मूला क्या करेगा, उसे वन नंबर पर ले आएगा। तो मैं यहाँ पर मैं कोई भी नंबर, ये देखिए मैंने पहला नंबर सेलेक्ट किया। अब मैं कॉमा प्रेस करता हूँ तो ये देखिए रेफरेंस ऑर्डर जो है वो हाईलाइट हो गया। इसका मतलब क्या है कि अब हमें एक रेफरेंस देना है, एक एरिया देना है कि रैंक का फार्मूला क्या करे कि जो नंबर हमने वाइल्ड कार्ड दिया है वो इस पूरे एरिया में, एक पूरे रेफरेंस में वो चेक करेगा कि इससे कोई बड़ा नंबर है कि नहीं। अगर कोई बड़ा नंबर नहीं होगा तो वो उसे ही वन नंबर जो है वो करार दे देगा। अगर कोई बड़ा नंबर होगा तो वो ख़ुद को दो तीन या जो भी नंबर असाइन करे जो ऑर्डर के लिहाज से हो तो वो कर देगा। अगर यहाँ से यहाँ देखिए, अगर मैं इसको इंटर करूँ तो देखें इतने इसको जो है वो टू दे दिया, क्योंकि टू इसलिए दिया है क्योंकि ज़रूर इससे कोई बड़ा नंबर होगा और वो ये रहा। तो जब यहाँ पर हम इसको ड्रैग करेंगे तो ये वन हो जाएगा, पर अगर हम इसको ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर एक एरर आएगा। तो ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये जो आंसर आया है ये गलत है, ये ठीक नहीं है। रैंक के फार्मूले को अक्सर लोग जो है वो गलत तरीके से यूज़ कर लेते हैं, उसकी वजह यह है कि वो उसको फ्रीज़ नहीं करते। तो एक बात का ध्यान रखें, तो रैंक के फार्मूले को अक्सर फ्रीज़ कर दिया करें अगर आपको पोजीशन निकालनी है। अगर हम यहाँ पर डॉलर लगाएंगे तो ये देखें पहले क्या हुआ है, अगर यहाँ पर हम इसको हम डबल क्लिक करें तो ये देखिए ये जो एरिया है रेफरेंस ऑर्डर वो नीचे आ गया है। तो हम ऐसा क्या करें कि ये जो एरिया है वो नीचे ना आए, ये फ्रीज़ हो जाए, बस सिर्फ वाइल्ड कार्ड जो है वो नीचे आए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर डॉलर लगा लेते हैं। डॉलर क्या करता है, ये फिक्स कर देता है, फ्रीज़ कर देता है। तो इससे क्या होता है कि जो सेल होता है वो हिलता नहीं। आपने कॉलम में और रो नंबर में डॉलर लगा देना है। और अगर अब मैं इंटर करता हूँ तो ये देखिए, अगर अब मैं इसको ड्रैग करूँगा तो आंसर जो है वो चेंज हो जाएंगे सारे, ये देखिए चेंज हो गए। तो इस तरह आप रैंक के फार्मूले को यूज़ करते हैं। अगर आपको रैंक का फार्मूला अभी भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रैंक के फार्मूले का एक अलग सा सेशन बना के दे दूँगा और उसका एक यूज़ भी बता दूँगा। तो हमने पोजीशन निकाली है, पोजीशन के थ्रू हम मेडल जो है वो अनाउंस करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इफ़ लॉजिक लगा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम एक स्पेशल यूज़ देख रहे हैं तो इसलिए हम इफ़ की कंडीशन लगाएंगे। तो यह इफ़ की लॉजिक लगाने के लिए हमने यहाँ पर इज इक्वल टू लिखा और मैंने लिखा सबसे पहले इफ़ लगा है तो इसलिए हम आज लॉजिकल कंडीशन लगाएंगे। तो जब मैं इसको डबल क्लिक करके एडिट करूँगा तो ये देखिए लिखा हुआ है लॉजिकल टेस्ट। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं ये सेंटेंस का लिखा हुआ है। तो लॉजिकल टेस्ट में हमने वो नंबर दे देना है पोजिशंस का। ये मैंने पोजीशन का नंबर सेलेक्ट किया है एज अ वाइल्ड कार्ड। सबसे पहले हम लॉजिकल कंडीशन बना लेते हैं कि जो नंबर मैंने सेलेक्ट किया है ये अगर तीन से कम हो। मैंने पहले भी कहा था कि जितने रिवॉर्ड आपने देने हैं उतने ही नंबर आपने रखने हैं। तो एज अ लॉजिकल कंडीशन मैं तीन नंबर रख लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगा लेता हूँ कि जो एरिया जो या जो रेफरेंस या जो सेल मैंने सेलेक्ट किया है अगर वहाँ पर तीन या तीन से कम के नंबर हो तो आगे हमें क्या करना है वो अब हम लिखेंगे। मैंने कंडीशन दे दी कि अगर नंबर तीन हो या तीन से कम, लेस देन या इज इक्वल टू, आप इज इक्वल टू ना भी लगाएं तो आपकी मर्ज़ी है, जितने आप नंबर देना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। अब मैं कॉमा प्रेस करता हूँ तो ये देखिए वैल्यू इफ़ ट्रू मीन्स कि जो कंडीशन, जो लॉजिकल कंडीशन आपने दी है अगर ये सही होती है तो आप क्या जो है वो शो करवाना चाहते हैं। तो मैं इस पर क्लिक कर दूँगा कि अब मैं यहाँ पर चूज़ का फार्मूला जो है वो अप्लाई करूँगा कि हमारा जो कंडीशन हमने लगाई अगर वो सही होती तो क्या हो,
अब वो जो हम अप्लाई करेंगे तो वो वहाँ वैल्यू इफ ट्रू में जो है वो आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं इंडेक्स नंबर दे देता हूँ, तो यहाँ चूज़ की फार्मूले में आपने इंडेक्स नंबर वही देना है जो आपने इफ़ की लॉजिकल टेस्ट में दिया था। तो ये देखिए मैंने इसको उसी सेल को सेलेक्ट किया और अब मैं कॉमा प्रेस करता हूँ, तो ये देखिए वैल्यू वन में हम दे देंगे कोई भी रिवॉर्ड दे सकते हैं, हम गोल्ड दे देते कि अगर फर्स्ट पोजीशन आती है तो उसे गोल्ड मिलना चाहिए। इसी तरह हम एक और सेट कर लेंगे, हम कहते हैं अगर सेकंड आती है तो उसे सिल्वर मिलना चाहिए। इसी तरह द थर्ड वन इज़ द ब्रॉन्ज। तो ये हमने एक आइटम जो है वो सेलेक्ट कर लिए जिसे हम शो करवाएंगे एज द आउटपुट। और अगर यहाँ पर मैं ये देखें, यहाँ पर आप अक्सर लोग इंटर कर देते हैं तो ये एरर आता है, यहाँ पर यस कर देंगे तो फिर भी ये एंटर ही हो जाएगा। ये एरर क्यों आया, क्योंकि हमने जो इफ़ की लॉजिक जो थी उसकी जो ब्रैकेट थी वो क्लोज नहीं की। अब मैं इसको नो करता हूँ, ये देखें यहाँ पर अगर मैं कॉमा प्रेस करूँ तो ये देखें इफ़ की लॉजिक जो है वो अभी एंड नहीं हुई। मैं यहाँ पर कॉमा प्रेस करता हूँ, इन्वर्टेड कॉमा में आपने सारे टेक्स्ट को जो है वो क्लोज कर देना। जब मैंने कॉमा प्रेस किया तो ये देखिए वैल्यू इफ़ फॉल्स। तो ये सेकंड कंडीशन है इफ़ की। अब ये कह रहा है कि जो अभी तक जो कंडीशन आपने दी है अगर ये सही नहीं होती तो आप क्या शो कराना चाहते हैं, मीन्स कि अभी तक जो काम हुआ है अगर ये ना हो तो क्या ऑर्डर है हमारे लिए, ये इफ़ पूछ रहा है। तो हम कहते हैं कि अगर ये सब ना हो जो हमने अभी लिखा है तो आप इसे फेल या अनप्लेस कुछ भी आप लिखवा सकते हैं, कुछ भी आप शो करवाना चाहें। मैं यहाँ पर अनप्लेस कर देता हूँ और यहाँ पर एंड में एक ब्रैकेट और आपने क्लोज करनी है जो इफ़ की ब्रैकेट होगी। तो अब इफ़ का फार्मूला जो है वो एंड हो गया। अब अगर इसको मैं एंटर करता हूँ तो ये देखें यहाँ पर नंबर टू आया, मीन्स हमने क्या कंडीशन दी थी कि अगर टू नंबर या टू पोजीशन आती है तो यहाँ पर इसको सिल्वर मिलना चाहिए एज अ मेडल। तो अगर यहाँ पर मैं इसको ड्रैग करूँ तो ये देखें ये इसने चार नंबर लिया है और फोर नंबर में हमने क्या लिखा था, अनप्लेस। अब आप कहेंगे कि हमने तो चूज़ के फार्मूले में फोर लिखा ही नहीं है तो ये क्यों आया, वो क्यों, क्योंकि हमने कहा था कि अगर ये कंडीशन ठीक ना हो तो इफ़ जो लॉजिक के थ्रू हमने ये कहा कि अगर ये कंडीशन ना हो तो ये इसे अनप्लेस कर दे। ये जो अनप्लेस लिखा हुआ है ये इफ़ लॉजिक के थ्रू जो है वो आया हुआ है। इसी तरह इसको अगर मैं और ड्रैग करूँ तो ये देखें इसने गोल्ड दे दिया क्योंकि यहाँ पर वन है। इस तरह आप इसको सॉर्ट आउट भी कर सकते हैं, यहाँ पर ये सॉर्ट स्मॉलर टू लार्जेस्ट आप इसे कर सकते हैं। ये देखें ये विंडो आएगी, इसका मतलब है कि जो पहले चेकआउट हुआ है इसका मतलब है कि अगर आप आपने जो करंट आप पूरी शीट को अगर सॉर्ट आउट करना चाहते हैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट तो आप पहला वाला चेकआउट करेंगे, लेकिन अगर आप सिर्फ जो सिलेक्शन आपने किया उसको करना चाहते हैं तो आप नीचे वाले को चेकआउट करेंगे। तो मैं एक्सपेंड द सिलेक्शन करता हूँ पूरी शीट को, ये देखें ये वन टू थ्री जो है वो सॉर्ट हो गया। तो ये देखें जिसने वन पोजिशन लिया उसको गोल्ड, इस तरह सेकेंड वाले को सिल्वर, द थर्ड वन इज़ यहाँ पर फार्मूला जो है वो अप्लाई नहीं हुआ हुआ। यहाँ पर हम ड्रैग करते हैं तो ये देखें थर्ड वन को ब्रॉन्ज मिले हैं, इसी तरह फोर को अनप्लेस और फाइव को भी अनप्लेस। तो इस तरह आप लॉजिकल कंडीशन लगाकर कुछ भी चूज़ के फार्मूले से करवा सकते हैं, या लॉजिकल कंडीशन इसी के लिए होती है कि इसको हम दूसरे फार्मूला के साथ जो है वो यूज़ करें। तो इसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं लॉजिक्स के थ्रू। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, गुड बाय।